विभाजन विपक्ष के डीएनए में, इनकी सोच घटिया और इरादे खतरनाक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देवरिया सदर विधानसभा क्षेत्र के प्रमुख पदाधिकारियों की वर्चुअल बैठक में कहा, पहले देश को बांटा, अब समाज को बांट रहे। गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है, मैं पूजा वर्मा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता को विपक्ष की विभाजनकारी नीतियों से सावधान रहने की अपील की है। कांग्रेस, सपा और बसपा का बिना नाम लिए मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्षी दलों की सोच घटिया और इरादे खतरनाक हैं। विभाजन इनके डीएनए में है, इसी सोच के तहत इन्होंने पहले देश को बांटा और अब जाति, संप्रदाय और मजहब और क्षेत्र के नाम पर समाज को बांटने की फिराक में है। इनके लिए अपना खानदान का हित ही सर्वोपरि है, बाकी सब गौड़। 15 साल तक प्रदेश की सत्ता पर काबिज रहने वाली बसपा और सपा के पास उपलब्धि के नाम पर सिर्फ भ्रष्टाचार और अराजकता है। समय समय पर इन दलों ने अपने हित में लोकतंत्र और संविधान का गला घोटा है। इनका विकास सिर्फ नारों और भाषणों तक सीमित रहा है। मुख्यमंत्री शनिवार को यहां अपने आवास पर देवरिया सदर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के मद्देनजर वहां के मंडल, सेक्टर और बूथ के प्रमुख पदाधिकारियों की वर्चुअल बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विकास की असली शुरुआत तो 6 साल पहले केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भाजपा की सरकार बनने के साथ हुई। प्रधानमंत्री के ही मार्गदर्शन में वही काम उत्तर प्रदेश में हो रहा है। चौतरफा विकास के नाते भाजपा की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है, जनता में एक सकारात्मक भाव पैदा हुआ है। ऐसे में कोई चांस ना देकर इन दलों की नाखुशी अब हताशा में बदल चुकी है, लिहाजा वे सरकार को बदनाम करने में हर हथकंडा अपना रहे हैं, पर इनके मंसूबे कभी पूरे नहीं होने वाले। मुख्यमंत्री ने कहा कि 1974 से 2017 के बीच इंसेफ्लाइटिस से पूर्वांचल के 50,000 मासूमों की मौत हुई। मरने वालों में से अधिकांश गरीब के बच्चे थे, कभी किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। सिर्फ 3 वर्षों में हम इंसेफ्लाइटिस को जड़ से समाप्त करने की ओर हैं। बताएं क्यों बिकती गई चीनी मिले। मुख्यमंत्री ने कहा कि महर्षि देवरहवा बाबा की यह पावन धरती कभी चीनी का कटोरा रही है। यहाँ की सारी अर्थव्यवस्था गन्ने पर ही आधारित थी। उनसे पूछिए जिनके कार्यकाल में एक एक कर मिले बिकती गई, उनको किन लोगों ने औने पौने दाम पर बेच दिया। यहाँ की चीनी मिलों का मामला कोर्ट में है, फैसला होते ही पिपराइच और मुंडेरा की तरह देवरिया में भी आधुनिक चीनी मिलें बनेंगी। देवरिया में मेडिकल कॉलेज अगले साल से शुरू हो जाएगा। जल निकासी की समस्या का भी अस्थायी समाधान होगा। योगी जी ने निवर्तमान विधायक जन्मेजय सिंह के असामयिक निधन पर दुख जताया, साथ ही विकास के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को पूरा करने का भरोसा भी दिया। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि राष्ट्र के निर्माण में भाजपा के बेमिसाल नेतृत्व और संगठन के समर्पित कार्यकर्ताओं का बड़ा योगदान है। भाजपा आज जिस बुलंदी पर है उसके आधार आप ही हैं, यकीनन आप इस सिलसिले को आगे भी जारी रखेंगे। बैठक के शुरू में भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने सबका स्वागत किया। जिला अध्यक्ष अंतर्यामी सिंह ने आभार जताया। बैठक में सरकार के मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी, श्री राम चौहान और प्रांतीय मंत्री त्र्यंबकम त्रिपाठी समेत बूथ, सेक्टर और मंडल के प्रमुख पदाधिकारी मौजूद रहे। देवरिया सदर विधानसभा क्षेत्र के सभी बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं के साथ संवाद के इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश के हमारे लोकप्रिय और जुझारू अध्यक्ष माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण, प्रभारी मंत्री श्री राम चौहान जी, बेसिक शिक्षा के मंत्री श्री सतीश डॉक्टर सतीश द्विवेदी जी, प्रदेश सरकार प्रदेश के संगठन में मंत्री श्री त्र्यंबक त्रिपाठी जी, क्षेत्रीय महामंत्री श्री देवेंद्र यादव जी, जिला के अध्यक्ष श्री अंतर्यामी सिंह जी, मंडल के अध्यक्ष गण श्री राजन यादव जी, श्री जितेंद्र सिंह जी, श्री ब्रजेश गुप्ता जी,
विशेष रूप से इस विधानसभा क्षेत्र में कार्य कर रहे श्री चिरंजीव चौरसिया जी, पुरुषार्थ सिंह जी, सुश्री अर्चना सिंह जी, राधेश्याम सिंह जी, रमेश सिंह जी, मार्कंडे शाही जी, संजय सिंह जी, आज के इस वर्चुअल संवाद कार्यक्रम के माध्यम से देवरिया सदर विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए सभी क्षेत्र के, जनपद के, मंडल के पदाधिकारीगण, सेक्टर और बूथ स्तरीय हमारे सभी अध्यक्षगण, महर्षि देवराव बाबा की इस पावन धरती को नमन करते हुए मैं आप सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं देवरिया सदर से विधायक रहे स्वर्गीय श्री जन्मजय सिंह जी को, जिनकी अकस्मात मृत्यु के कारण यह सीट खाली हुई है और आज हमें उपचुनाव में इस विधानसभा क्षेत्र में देवरिया सदर की जनता के सामने फिर से आना पड़ा है। स्वर्गीय जन्मजय सिंह जी एक किसान नेता थे, समाज से जुड़े हुए थे, गरीबों, वंचितों, व्यापारियों और समाज के विभिन्न तबकों की आवाज को सरकार के सामने और सदन के सामने पूरी प्रखरता के साथ रखते थे। आज वे हमारे बीच में नहीं है, उनके ढेर सारी स्मृतियां हैं, देवरिया के विकास के लिए उनके द्वारा किए गए कार्य हम सब के सामने हैं। मैं इस अवसर पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हम सब जानते हैं कि पूरे देश और पूरी दुनिया में वर्तमान में वैश्विक महामारी कोरोना से पूरी दुनिया त्रस्त है और इस समय इस कोरोना महामारी से जूझने के लिए केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार भी पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। हम सब जानते हैं भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, 135 करोड़ की आबादी भारत के अंदर निवास करती है। दुनिया को यह आशंका थी कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतने बड़े देश में इतनी बड़ी आबादी को भारत कैसे संभालेगा, लेकिन हम सब अभिनंदन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिनके नेतृत्व में कोविड 19 प्रारंभ होने के पहले लिए गए फैसले, समय से पहले लिए गए फैसले के कारण भारत आज एक सुरक्षित स्थिति में है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में प्रदेश के अंदर हम लोगों ने समय से जो फैसले लिए और प्रभावी ढंग से उनको जमीनी स्तर पर उतारने का कार्य किया, जिसका परिणाम है कि देश के अंदर पॉजिटिविटी रेट में, रिकवरी रेट में उत्तर प्रदेश सबसे बेहतरीन स्थिति में है, साथ ही साथ मृत्यु दर भी अन्य राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश पूरी तरह नियंत्रण किया हुआ है। ये सब संभव हो पाया है सरकार, संगठन और उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता के सामूहिक प्रयास से। जब भी टीम वर्क होता है तो उसके परिणाम सामने आते हैं, पर टीम वर्क कोविड 19 के नियंत्रण की दृष्टि से भी बहुत प्रभावी ढंग से सामने देखने को मिला है। आपने देखा होगा कि अगर कोविड 19 पिछली सरकारों के समय होता तो प्रदेश का भी और देश का क्या हाल हुआ होता।
कोविड 19 में लॉकडाउन प्रारंभ होते ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण पैकेज की घोषणा की। देश के अंदर 80 करोड़ गरीबों को 13वीं बार इस समय निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रदेश में 18 करोड़ गरीबों को यह खाद्यान्न उपलब्ध कराने का कार्य किया जा रहा है। कोविड-19 ने हम सबको तकनीक की तरफ भी पूरी तरह आकर्षित किया। आज वर्चुअल संवाद देवरिया के कार्यकर्ताओं के साथ हमें करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। यद्यपि मैं 26 सितंबर को ही देवरिया गया था, भारी बरसात उससे 2-3 दिन 4 दिन पहले से लगातार वहां पे पड़ रही थी, जिसके कारण एक बार तो ये स्थिति आ गई थी कि कार्यक्रम अब स्थगित हो जाएंगे, लेकिन उस सब के बावजूद फिर भी 26 सितंबर को मुझे देवरिया में आने का अवसर प्राप्त हुआ था। और देवरिया के उस कार्यक्रम के बाद वहां के पदाधिकारियों ने, वहां पर हमारे जो प्रभारी मंत्री, सभी लोगों ने जिस प्रकार की कार्य योजना संगठन के साथ मिलकर के तैयार की है, मैं इस बात के लिए आश्वस्त हूं कि देवरिया में सदर में भारतीय जनता पार्टी का झंडा फिर से लहराएगा, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। आपने देखा होगा इस बात में कि सरकार भी और संगठन भी अपना कार्य करता रहा। जब तमाम राजनीतिक दलों के लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे, तब सरकार गरीब के द्वार पर थी और सरकार को सपोर्ट करने के लिए कोई कार्यकर्ता था तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के कारण जनधन अकाउंट का लाभ किस प्रकार से प्राप्त हुआ। 2 करोड़ से अधिक किसानों का हम लोगों ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ उनके खातों तक धनराशि भेज करके किया। इससे पहले ऋण माफी के कार्यक्रम को भी सफलतापूर्वक हम लोग इसलिए प्रदेश में लागू कर लिए क्योंकि प्रदेश के अंदर इस ऋण माफी के लिए हमारे पास किसानों के अकाउंट थे और हम लोगों ने किसानों के इस ऋण माफी के कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से आगे लागू कर दिया। इसी प्रकार से इस दौरान भी हम लोगों ने किसानों को लाभ देना प्रारंभ किया। आपने देखा होगा जब मैं 26 तारीख को देवरिया में आया था, उससे पहले 4 दिन से लगातार बारिश पड़ रही थी, जल प्लावन की स्थिति थी, तो हमने देवरिया नगर के लिए जल निकासी के लिए धनराशि स्वीकृत की और किसानों की फसल जो अतिवृष्टि से नुकसान हुई थी उसका मुआवजा भी हम जिलों में भेज चुके हैं, चाहे वह देवरिया हो, कुशीनगर हो, महाराजगंज है, गोरखपुर है, बस्ती है, सिद्धार्थ नगर है, संत कबीर नगर है, आजमगढ़ है, मऊ है, बलिया है, इन सभी जनपदों में हम मुआवजा भेज चुके हैं। इतनी जल्दी कभी नहीं हुआ होगा। पिछले 3 वर्ष के दौरान सरकार की कार्य पद्धति में कुछ बहुत बदलाव आपने बहुत स्तर पर देखा होगा क्योंकि पार्टी समस्याओं को लटकाने और भड़काने का काम नहीं करती है और उसी तर्ज पर सरकार ने भी इस बात को कहा, समस्या है तो उसका समाधान होना चाहिए और समाधान के रास्ते पर चलते हुए हमने बहुत प्रभावी ढंग से उस समस्या का समाधान भी किया है। और इसीलिए जहां हम लोगों ने किसानों को अतिवृष्टि से नुकसान या कहीं भी कोई आपदा आती है, आकाशीय बिजली के कारण, जंगली जानवरों के कारण, सांप के काटने के कारण, नदी में डूबने के कारण, तत्काल 24 घंटे के अंदर उन्हें आपदा राहत से धनराशि उपलब्ध कराई जाती है, वहीं साथ ही साथ अतिवृष्टि के कारण जिन किसानों को नुकसान हुआ उनकी धनराशि भी उनको उपलब्ध हो जाए, इसके लिए कंपनसेशन देने की कार्रवाई प्रारंभ हो चुकी है। पूरे अभियान के दौरान आपने देखा होगा कोरोना कालखंड के दौरान कि सरकार किस तत्परता के साथ कार्य कर रही थी, चाहे वह निराश्रित महिलाएं हों, बुजुर्ग हों, दिव्यांग जन हो, इनकी पेंशन की राशि 87 लाख ऐसे लोग हैं जिन्हें हम पेंशन देते हैं, इन सब का पेंशन उनके अकाउंट में देने का कार्य
सरकार ने एडवांस में कर दिया था। मजदूर, ठेला, रेहड़ी, कोमचा लगाने वाले स्ट्रीट वेंडर्स, कूली, पल्लेदार या प्रवासी कामगार, इन सबको भी भरण पोषण भत्ता, राशन किट देने की व्यवस्था की गई। यानी हर एक कार्य सरकार का समयबद्ध ढंग से चलता रहा, उसका परिणाम था कि कहीं भी कोई अव्यवस्था नहीं होने दी गई। ये सारे कार्य समयबद्ध ढंग से चले, साथ साथ आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत चाहे वह प्रवासी कामगार और श्रमिकों के लिए हो, युवाओं के लिए हो या फिर अन्य तबके के लोगों के लिए, हम लोगों ने जहां प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर पैकेज का लाभ वहां पे दिया, वहीं साथ ही साथ एमएसएमई सेक्टर में छोटे उद्यम लगाने वाले व्यापारियों के लिए भी हम लोगों ने इसका लाभ देने का कार्य किया। व्यापक पैमाने पर लोगों को इन योजनाओं का लाभ दिया गया, यानी 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हम वितरित कर चुके हैं अब तक इन व्यापारियों को ऋण के रूप में। और अभी हमारा प्रयास है कि अगले एक सप्ताह के अंदर 5 लाख स्ट्रीट वेंडर को 10,000 रुपए लोन की व्यवस्था अगले एक सप्ताह के अंदर हम लोग करने जा रहे हैं। कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर में हर विकास खंड स्तर पर एफपीओस का गठन हो सके, हर विकास खंड स्तर पर स्टोरेज की क्षमता के लिए धान है, गेहूं है, दलहन है, तिलहन है, इन सबको रखने की स्टोरेज की क्षमता विकसित हो सके, साथ साथ कोल्ड स्टोरेज की भी एक चेन खड़ी हो सके, इसका प्रयास किया जा रहा है। हर एक जगह पर युद्ध स्तर पर ये कार्य चल रहे हैं, यानी ये कार्य शासन की योजना का हिस्सा है। हमने विपत्ति के समय में भी पूरी मजबूती के साथ केंद्र और प्रदेश सरकार ने कार्य किया था। कारण था भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी के संस्कार थे और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने गांव को, गरीब को, किसान को, नौजवान को, महिलाओं को केंद्र में रख करके बिना भेदभाव की इन योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का कार्य किया। एक तरफ शासन की योजनाओं में कोई भेदभाव नहीं, विकास सबका, योजनाओं का लाभ सबको, विकास की प्रक्रिया से सबको जोड़ने का प्रयास, यह अभियान लगातार पिछले 6 वर्षों से केंद्र की सरकार चला रही है, पिछले 3-3.5 वर्षों से प्रदेश की सरकार के द्वारा लगातार इस अभियान को आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन वहीं साथ ही साथ कुछ ऐसे लोग हैं जिनके डीएनए में विभाजन है, बंटवारा है, उनको पूरा कुछ भी नहीं अच्छा लगता, वे हर चीज को काट छांट करना चाहते हैं और जाति के आधार पर बांटना, क्षेत्र और मत और मजहब के आधार पर बांटना उनकी प्रवृत्ति बन चुकी है, उनके डीएनए का हिस्सा यह बन चुका है। और इसलिए ये लोग लगातार इस प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं। इन्होंने पहले देश को बांटा, उसके बाद जाति के आधार पर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न किया। जब भी इन्हें सत्ता मिली, इन्होंने अपने परिवार के अलावा किसी को नहीं माना। इन सबके चेहरों को पहचानिए तो इनके लिए अपना परिवार और अपना खानदान ही देश है, वही समाज है, बाकी कुछ नहीं है। लेकिन जब भी सत्ता में आते हैं तो परिवार की बात करते हैं, वंश की बात करते हैं, परिवार तक सीमित रह जाते हैं। और जब भी इससे बाहर जाते हैं, सत्ता के बाहर जाते हैं, तो उस समय फिर विभाजन और खड़यंत्र करने में कोई कोताही नहीं बरतते। और अब तो इन लोगों के चेहरे बेनकाब होते जा रहे हैं। देश के खिलाफ दंगों की साजिश रचने वाले लोगों के साथ इनके संबंध उजागर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत बड़ी यानी खड़यंत्र की एक साजिश देश के खिलाफ, जब पूरा देश से राम जन्मभूमि के ऐतिहासिक फैसले को लेकर के उमंग और उत्साह में था, तब कुछ तत्व दंगे रचने की साजिश रच रहे थे। जब पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से जुड़े हुए अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े हुए हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, इन सभी लोगों को जो वहां पे पीड़ित थे, प्रताड़ित थे, भारत की नागरिकता देने का काम हो रहा था,
और इसकी ऐतिहासिक घोषणा संसद के द्वारा आदरणीय गृह मंत्री जी के द्वारा की जाती है, तब देश के खिलाफ एक षड्यंत्र करके दंगा कराने की साजिश होती है। जब प्रदेश अपने कामगार श्रमिकों समाज के विकास को कोरोना कालखंड में तीव्रता के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करता है, तब उत्तर प्रदेश में व्यापक जाति और सांप्रदायिक दंगा भड़काने की व्यापक योजना रची जाती है। इन चेहरों को पहचानो तो ये वही लोग हैं जो पूर्वी उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों को बंद कर देते हैं। ये वही लोग हैं जिनके शासन काल में पूर्वी उत्तर प्रदेश में कोरोना इंसेफ्लाइटिस से 50,000 से अधिक बच्चे और समय काल कलवित हुए थे। एक भी बार इन्होंने इसके लिए आवाज नहीं उठाई, कभी इसके बारे में कोई नहीं बोला, क्योंकि मरने वाला बच्चा गरीब का था, दलित का था, अल्पसंख्यक समुदाय का था। गरीब की कोई जाति नहीं होती, लेकिन एक भी सहानुभूति के शब्द कभी भी न सपा ने, न बसपा ने, न कांग्रेस ने, न किसी अन्य दल ने कभी उनके प्रति व्यक्त किया। और भाइयों बहनों, मुझे आज बताते हुए प्रसन्नता है कि दिमागी बुखार यानी इंसेफ्लाइटिस 1977 से पूर्वी उत्तर प्रदेश के मासूम बच्चों को निकल रही थी, आज प्रधानमंत्री मोदी जी के स्वच्छ भारत मिशन के कारण उत्तर प्रदेश सरकार ने अंतरविभागीय समन्वय की व्यापक रणनीति के माध्यम से इंसेफ्लाइटिस की बीमारी को हम सदैव के लिए समाप्त करने के अंतिम चरण में चल रहे हैं। आपने देखा होगा, आप आंकड़े निकालिए 2014, 2015, 2016 या 1977 से, ये सारे आंकड़े मौजूद हैं। 1977 से लेकर के 2017 तक के आंकड़े निकालिए, हर वर्ष 500 से लेकर 1500 मौतें प्रदेश में होती थी। गोरखपुर के ब्याड़ी मेडिकल कॉलेज में होती थी। ब्याड़ी मेडिकल कॉलेज में होने वाली मौतें कहां की थी? देवरिया से थी, कुशीनगर से थी, महाराजगंज से थी, सिद्धार्थनगर, संत कबीरनगर, बस्ती, इन्हीं जनपदों की थी। इतने भारी पैमाने पर मौतें होती थी, 500 से लेकर 1500 मौत हर वर्ष होती थी। और इस वर्ष यानी पिछले वर्ष हम लोग इस मौत के आंकड़ों को 121 पे लेके आए और इस वर्ष ये मौत अभी मात्र 15 तक है, 14-15 मौतें मात्र इस बार हुई हैं। ये है व्यापक कार्य योजना। हमने किसी की जाति नहीं पूछी, हमने किसी का मत और मजहब नहीं पूछा, हमने तो प्रधानमंत्री मोदी जी के मंत्र को सबका साथ सबके विकास को प्रत्येक नागरिक तक बिना भेदभाव की पहुंचाने का कार्य किया। ऐसे ही कोरोना कालखंड में भी हम लोगों ने प्रवासी कामगार हो, श्रमिक हो या कोई भी जरूरतमंद हो, राशन कार्ड किसी की जाति देख करके नहीं पहुंची। नहीं तो सपा के कार्यकाल में आपने देखा होगा खाद्यान्न माफिया कुशीनगर में हावी होते थे, देवरिया में हावी होते थे, बलिया में हावी होते थे, गरीब का खाद्यान्न ही खा जाते थे। इस बार तो हर गरीब को राशन मिला है, कोई गरीब ये नहीं कह सकता। हम लोगों ने सारी पाबंदी समाप्त की, अगर किसी के पास राशन कार्ड नहीं, राशन कार्ड बनाइए और अगले दिन से उसको राशन देना प्रारंभ कर दीजिए। प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण पहले आपने देखा होगा कि पहले इन गरीबों को, वृद्धजनों को, विधवा महिलाओं को, दिव्यांगजनों को पेंशन की राशि नहीं मिलती थी, उस पेंशन की राशि में भी कांट छांट होती थी, भ्रष्टाचार होता था। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने टेक्नोलॉजी का उपयोग किया, जनधन योजना के माध्यम से वह योजना का लाभ आज उसे प्राप्त हो रहा है। पैसा डीबीटी के माध्यम से एक क्लिक करो सारा पैसा उनके खाते में पहुंच जाता है। अब वह समय नहीं रहा जब लोग कहते थे कि साहब 100 रुपया भेजते हैं गरीब तक 10 ही पहुंचता है। ये लाचारगी देश का प्रधानमंत्री दिखाए, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है, क्योंकि उन्होंने किसी गरीब के हित के सही मन से कार्य नहीं किया। बैंक तब भी थे, टेक्नोलॉजी तब भी थी, इच्छा शक्ति का भाव था, जनता के प्रति भाव और भावनाएं नहीं थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने करके दिखा दिया। आज तो देवरिया जनपद का कोई भी गरीब, वह गोरखपुर में हो, पूर्वी उत्तर प्रदेश में हो, लखनऊ में हो, दिल्ली हो, मुंबई हो, कहीं भी रहता हो,
अगर उसका राशन कार्ड देवरिया में बना है, अपने उस राशन कार्ड से वो देश के अंदर कहीं भी राशन ले सकता है। नेशनल पोर्टेबिलिटी की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। यह है सरकार की कार्य पद्धति। लेकिन ये अच्छा कार्य जो गरीब के लिए है, किसान के लिए है, नौजवान के लिए है, महिलाओं के लिए है, ये कार्य इन लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। इसलिए अव्यवस्था फैलाना, दंगा कराना, भड़काना, अव्यवस्था पैदा करना, आगजनी करना, आपने एक कांग्रेस नेता का बयान पढ़ा होगा, कह रहा है सर हम दंगा इसलिए कराना चाहते हैं कुछ लोग इधर से मरे, कुछ लोग उधर से मरे और फिर इनके नेताओं को वहां जाने का अवसर प्राप्त हो। इससे निकृष्ट सोच और क्या हो सकती है? देश के लिए, समाज के लिए इस प्रकार की सोच एक खतरनाक सोच है। यह खतरनाक सोच इनके डीएनए का पार्ट बन चुका है और जनता इसीलिए इस खतरनाक सोच को समाप्त करने के लिए इनको सत्ता से बेदखल की है। यह चीज बताने की आवश्यकता है लोगों को। यह वही देवरिया जनपद है जिस देवरिया जनपद को कभी चीनी का कटोरा कहा जाता था। कहां चली गई वहां की चीनी मिले? क्यों बंद हो गई? कौन है बंद करने वाले? कौन है बेचने वाले? वहां के किसानों के आजीविका का आधार बनने वाली इन चीनी मिलों को बंद करने वाले लोग कौन है? इन चेहरों को पहचानने की आवश्यकता है। वहां का एक एक कस्बा, गौरी बाजार हो, देवरिया हो, रामपुर कारखाना हो, ये जितने वहां के कस्बे थे, बरहज है, रुद्रपुर है, ये जितने भी कस्बे वहां के थे, देवरिया हो, कुशीनगर, गोरखपुर, बस्ती, ये सभी कस्बे किसी न किसी चीनी मिल पर आधारित थे। वहां की खुशहाली का आधार ये कस्बे बने थे, चीनी मिलें बनी थी। लेकिन पिछली सरकारों ने एक एक करके औने पौने दाम पर इन चीनी मिलों को बेचना प्रारंभ किया। जिन चीनी मिलों में विवाद है, मामला चूंकि सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, सरकार कुछ नहीं कर सकती। नहीं तो जैसे हमने पिपराइच में और मुंडेरवा बस्ती में एक नई चीनी मिल, नई नई चीनी मिलें लगाई हैं, ऐसे ही हम अन्य जगह भी लगाना चाहते हैं, क्योंकि मुझे मालूम है वहां के किसानों के लिए, वहां के नौजवानों के लिए और वहां के व्यापारियों की खुशहाली के लिए ये सभी आवश्यक है। इसलिए वहां पर ये चीजें लगनी चाहिए। लेकिन मामला कोर्ट में लंबित होने के नाते समय से सरकार अभी कोई निर्णय नहीं ले सकती। लेकिन हमें उन चेहरों को पहचानना चाहिए जिन्होंने किसानों के जीवन में, वहां के पूर्वी उत्तर प्रदेश के नौजवानों के जीवन में और वहां के व्यापारियों की खुशहाली पे इस प्रकार की साजिशें करके चीनी मिलों को बंद करके औने पौने दाम पर बेचने का कार्य किया था। आज देवरिया में हम लोगों ने एक मेडिकल कॉलेज दिया है। याद करिए, देवरिया के बारे में कोई सोचता था कि देवरिया में मेडिकल कॉलेज स्थापित होगा? भाइयों बहनों, इसी को सोचने की आवश्यकता है। आज हम मेडिकल कॉलेज दे रहे हैं देवरिया में, बन रहा है युद्ध स्तर पर, अगले वर्ष हम उसमें एडमिशन करेंगे। एक नया मेडिकल कॉलेज देवरिया के लिए, महर्षि देवरा बाबा के नाम पर मेडिकल कॉलेज बन रहा है। मेडिकल कॉलेज का मतलब विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाएं आपके द्वार तक पहुंच रही हैं। हम लोगों ने इंसेफ्लाइटिस ट्रीटमेंट सेंटर बनाए हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के हर एक पीएससी में, सीएससी में, पीपो मिनी पीपो बनाए हैं। बेहतर स्वास्थ्य की सुविधाएं प्राप्त हो सके, बेहतर सर्विलांस की व्यवस्था वहां पर की है। अरे मेडिकल कॉलेज उसी श्रृंखला का एक पार्ट है। याद करिए, 1947 से लेकर के 2017 तक उत्तर प्रदेश में केवल 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बने थे। 2017 से लेकर 2020 के बीच में हम लोग 29 नए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं, यानी 70 वर्षों में बनते हैं मात्र 12 और 3 वर्ष में बनते हैं 29। 2 एम्स बना रहे हैं, एक गोरखपुर का एम्स, पिछले साल से हमने सत्र प्रारंभ कर दिया है, बच्चों का एडमिशन प्रारंभ कर दिया है। एक रायबरेली का एम्स एडमिशन हो चुके हैं, फुल फ्लेश एम्स चलेगा,
तो लोगों को दिल्ली मुंबई उपचार के लिए क्यों जाना पड़ेगा? गोरखपुर में देवरिया में सुविधाएं प्राप्त होंगी, देवरिया में जल निकासी की समस्या का समाधान, महान क्रांतिकारी स्वतंत्रता संग्राम का अमर सेनानी वीर रामचंद्र सेनानी की स्मृति को ताजा करने के लिए, रामचंद्र विद्यार्थी की स्मृति को ताजा करने के लिए उनका स्मारक हम देवरिया में बनाने जा रहे हैं, उसकी स्वीकृति सरकार पहले ही दे चुकी है। यानी ये कार्यक्रम सरकार के अभियान के हिस्से हैं, और इसलिए मैं आप सबसे इस बारे में कहना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग हैं जो लोग विकास में बाधक बनना चाहते हैं, इन लोगों से पूछा जाना चाहिए। 50-50 वर्षों तक या प्रदेश में सर्वाधिक समय तक इन लोगों को शासन करने का अवसर मिला था, कोई दल ऐसा नहीं कह सकता कि उन्हें शासन करने का अवसर नहीं मिला। कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो या अन्य जो भी हो, कोई ये नहीं कह सकता कि उनको मौका नहीं मिला। सबको मौका मिला था शासन करने का। गरीब के लिए आवास ही क्यों नहीं बना पाए हम? तो मात्र तीन वर्ष में 30 लाख गरीबों को एक एक आवास दे दिए, 2,61,00,000 गरीबों को एक एक शौचालय दे दिए। हर ग्राम पंचायत में जहां पंचायत भवन नहीं वहां एक एक नया पंचायत भवन दे रहे हैं, और हर पंचायत भवन को हम ऑप्टिकल फाइबर के साथ जोड़ करके हर ग्राम पंचायत में 3 से 4 नौजवानों को नौकरी और रोजगार देने की व्यवस्था करने जा रहे हैं। हर ग्राम पंचायत में सामुदायिक शौचालय का निर्माण करने की कोई भी कार्यक्रम हो, गांव में शादी ब्याह का है, यज्ञ का है या कोई भी अन्य धार्मिक आयोजन है, तो गंदगी ना हो इसके लिए सामुदायिक शौचालय भी हर ग्राम पंचायत में बनाए जा रहे हैं। ये काम पहले भी हो सकता था, सोच नहीं थी। गरीबों को राशन कार्ड पहले भी दिया जा सकता था, सोच नहीं थी। गरीबों को विद्युतीकरण के लिए निःशुल्क कनेक्शन और कनेक्शन के पहले विद्युतीकरण करना, ये काम पहले भी हो सकता था, सोच नहीं थी। गरीबों को भी रसोई गैस का कनेक्शन मिले, 46 लाख लोगों को उत्तर प्रदेश में कनेक्शन उपलब्ध कराए गए, पहले नहीं दिया गया, भाजपा के आने के बाद दिया गया। हर गरीब को 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो, ये काम पहले भी हो सकता था, नहीं किया, क्योंकि गरीब के बारे में सोच नहीं थी। क्योंकि जब खानदान और वंशवाद से और परिवारवाद से ऊपर उठे तब ना, 10 वर्षों में जितनी नौकरी उत्तर प्रदेश में पिछली सरकारों ने नहीं दी, मात्र 3 वर्ष में 3 लाख से अधिक नौजवानों को उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी दी, 20 लाख नौजवानों को प्राइवेट सेक्टर में हम लोगों ने नौकरी दी, और 1.5 करोड़ नौजवानों को रोजगार और स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने का काम उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने मात्र 3 वर्ष में किया है। ये काम पहले भी हो सकता था। पहले तो माफिया हावी थे, गुंडे हावी थे, अराजकता व्याप्त थी, इन अपराधियों को कौन संरक्षण देता था? कौन इनकी बड़ी बड़ी इमारतों और हवेलियों को बनाने में मदद करता था? कौन इनके अपराध को संरक्षण देने का कार्य करता था? अगर हमने कभी सोचने का प्रयास किया होता, यानी ये जो अपराधी और माफियाओं को संरक्षण देने वाले लोग हैं, दंगों की पृष्ठभूमि रचने वाले लोग हैं, यही लोग जाति के आधार पर समाज को बांट रहे हैं, यही लोग दंगों की पृष्ठभूमि इस आधार पर तैयार कर रहे हैं। इन चेहरों को पहचानने की आवश्यकता है, और इसीलिए मैं आप सबका आह्वान कर रहा हूं, उपचुनाव विकास का एक ऐसा मॉडल देवरिया के लिए खड़ा करने का एक अवसर आपको प्रदान कर रहा है, जहां पे अच्छे ढंग से विजयी बनाकर के, भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाकर के हम लोग एक बार फिर से साबित करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने किया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने विकास किया, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आगे अवसर मिलना चाहिए। और इसी के लिए आज हम सब आपके बीच में, मैं प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ आपके बीच में आपसे संवाद बना रहा हूं।